आपका? मेरा नाम डालेंद्र सिंह है। डालेंद्र सिंह? हाँ। क्या मतलब होता है डालेंद्र सिंह का? डालेंद्र सिंह का मतलब होता है अपने से दूसरे बुजुर्गों की सेवा करना, हमारा फर्ज है दूसरों की सेवा करना। हाँ। ओके, तो कौन से गांव से हो? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ, गांव खरपौड़, यूपी से आए हैं। बैल बेचने? नहीं, बैल बेचने नहीं, बैल खरीदने। अच्छा, बैल खरीदने। तो अभी खरीदे हैं बैल? बैल खरीदे हैं। अच्छा, तो आपने ये वाले बैल खरीदे आने की? चलो, इनकी हमारी भाई साहब की बात चल रही है, इनका हमारा सौदा चल रहा है। सौदा चल रहा है। हाँ। ओके, तो, और तो आपको यानी क्या पसंद आया इन बैलों में? असल में पुराने टाइम से ही पूरे हिंदुस्तान में नांगौर जिले का बैल प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। और यहाँ के बैल की सुंदरता और इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। कितनी रहती है इसकी उम्र? इसकी उम्र यहाँ के बैल की कम से कम 20-25 साल उम्र होती है यहाँ के बैल की। नहीं, वैसे भी बैल की उम्र 20-25 साल ही रहती है क्या? हाँ, बैल की उम्र कायदे में 20 साल ही होती है। 20 साल होती है। हाँ। ओके, तो अभी इनकी उम्र क्या होगी बैलों की? इन बैलों की तो नई उम्र है, इनकी उम्र तो 4-5 साल के करीब है। अभी तो ये चलेंगे यानी कम से कम 15 साल। हम इनकी हर बात का सही जवाब देंगे। हाँ। तो इनके जैसे कि सींग वगैरह जैसे बहुत सारे बैलों के छोटे होते हैं और इनके जैसे बड़े विशाल? असल में नांगौर के बड़े सींग के ही बैल प्रसिद्ध होते हैं, ये यहाँ की नस्ल है। अच्छा, और जो छोटे सींग वाले आते हैं? जो छोटे सींग वाले आते हैं वो थोड़ा उनमें हरियाणा का उनका मिक्सचर हो जाता है, उनके सींगों की इतनी शोभा नहीं होती। अच्छा, ये राजस्थान का आदमी मुछाड़ा और बैल सिंगाड़ा। हाँ, बोला दोबारा से बोलना। राजस्थान का आदमी मुच्छो वाला और बैल सिंगो वाला। अच्छा, वही ये अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। हाँ, यानी राजस्थान के आदमी के अगर मूछ, जो हमारे जैसे मूछ कटे हो रहे हैं ये तो बेकार ही हो रहे हैं। हाँ। तो अभी क्या कीमत है बैलों की इनकी? भाई, इस मेले में बहड़ा एक 50-50, 52-52 हज़ार का बिका है, लेकिन इस मेले की जो दुर्दशा करी है वो हमारे ही बच्चे पुलिस में जो भर्ती हैं, वे हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, इन लोगों ने सम्मानित किस्म के किसानों की रास्ते में बेइज्जती की है, इसलिए यहाँ व्यापारी आना कम हो गया है। क्यों भाई पहलवान? हाँ जी, हाँ, आज का व्यापारी तो बहुत कम आने लगा, क्योंकि सम्मानित आदमियों की बेइज्जती हुई है रास्ते में, बैल उनके उतार लिए गए, उन पर मुकदमे चलाए गए, तो फिर बताओ आके सम्मानित किसान क्या करे आके यहाँ? हाँ, पुलिस को पैसे बैल लूटा छीन। असल में हमारे जो यहाँ के, तो अभी ये बैलों की क्या कीमत है इनकी अभी प्रेजेंट? ये तो अपने बैलों की कीमत इन्होंने हमसे 50,000 रुपये कहे, हमने तो इनके 25,000 रुपये बोल लेते हैं, और आगे हमारा इनका अंजल पानी बलवान है, अगर हमारा इनका अंजल हुआ। सौदा चल रहा है? सौदा चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ इन बैलों का। क्या लगता है कितने में क्लियर हो जाएगा? अब ये तो देखो दोनों ठोकों के सहमति के ऊपर बात बनेगी बैठ के। हाँ, तो बैल है किसके वैसे? ये बैल इनके हैं, ये बेचारे अजमेर जिले के मतलब नांगौर में आए हैं। क्या रेट मांग रहे हो आप बैलों का? 50 मांग रहे हो? क्या लगता है कितना ऊपर नीचे करे, कितने में सेट करो? कम से कम कितना चाहिए आपको ये बताओ देने वाला रेट? हम अजमेर जिले के हैं, हमने 3 साल पहले 40 के खरीदे, 30,000। सही रेट बता रहे हो, 40 के पड़े? हाँ, रोकर 30,000 के खरीदे, 6,000 भाड़ा किराया गांव ले। जैसे कि बैल वगैरह खरीदते तो कोई यानी कि जैसे होता है कि घोड़े खरीदते तो रसीद कटती है, ऐसे कुछ बैलों का भी होता है क्या? बैलों का पूरा कागजात बनता है। दिखाना कैसे होता है बैलों का कागज? टिकट है ये, जब ये मेले में प्रवेश किया जब ये टिकट मिला, ये पट्टा है। अच्छा अच्छा, ये बैल का पट्टा है। अब ये बिकने के बाद इनको सुनाऊंगा। अच्छा, ये बिक जाएगा तो ये पट्टा आप इनको दे दोगे? हाँ। बैल इनके हो गए, फिर इनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनेगा। अच्छा, वो डॉक्टरी सर्टिफिकेट। अच्छा, वो डॉक्टर। हाँ, करेगा। फिर इनके कानों में बिल्ले डालने जाएंगे और जब इनके पक्के हुलिया बनेंगे। हाँ हाँ, पहना देंगे, ये पहना देंगे। पहनाने से क्या होगा फिर? इनका हमें नंबर दिया जाएगा, वो इनका नंबर जो हमें यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कागज मिलेंगे उनका नंबर उन कागजों में लिखा जाएगा। अच्छा, उनका नंबर? उनका नंबर। तो जैसे आप बाहर ले जा, बाहर लेके जाओगे तो वो तभी काम, वो उस चीज में काम आएगा? काम आएंगे, लेकिन ये हमारे जो अपने बच्चे कह लो या मिलने वाले कह लो, ये पुलिस वाले हमारे ज्यादा परेशान करते हैं, ये मामला इसीलिए दिन पे दिन घटता जा रहा है। अरे वे हमारे यहाँ, लेकिन उनके घर पे भैंस या बैल या गाय नहीं है और बेमतलब वे तो बाधा डालते हैं और फिर हमारे से छीन के इन्हें बाद में बेच देते हैं। अच्छा, खुद ही बेच देते? खुद ही बेच देते हैं। ये उन लोगों का वो है, वैसे कह रहे हम फलाना दल है, ढिमका दल है, कोई भी दल नहीं है, सब किसान को परेशान करने वाला दल है। लूटने का है, लूटना जो इस काम कर रहे हैं, लेकर हमारे पिटाई करी, ये बैल छीन लिया और फिर बेच दिया। गुंडे ही है, उनके सम्मानित तो होने क्या नहीं जा सकता।
कितने के बिको भाई? पुलिस वालों को हमने पैसे दिए, फिर इनके कागज सही बन जाए क्या? फिर कहाँ चली जाए इनकी प्रॉब्लम? जहाँ 5,000 रुपए लिए उन्होंने, सही। चलो हम तो यही करेंगे कि आपका सौदा पट जाए और ठीक मान जाए, और आपका सौदा पट जाए, आपको भी बैल मिल जाए, इनका भी बैल। सही बात है, सही। पुलिस वाले ठीक है तो भाई साहब, पुलिस वाले अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि इनकी ये जो 3 साल की रोक लगी है। आओ नी पधारो, आओ नी पधारो।